हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी नहीं लग पा रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टोरी इंस्टाग्राम का क्यों नहीं लग पाता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी है वो अगर हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं लग रहा है, तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं और क्यों नहीं लग पाता है हमारा इंस्टाग्राम पे स्टोरी। चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम मैंने ओपन किया हुआ है, ऊपर में नेट कनेक्शन भी हमारा है और कनेक्शन भी है और नेटवर्क भी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टोरी लगाने की कोशिश करते हैं। तो योर स्टोरी पे क्लिक कर लेते हैं पहले। उसके बाद यहाँ पे चलिए मैं एक फोटो ही लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला एक फोटो है, इसमें मैंने क्लिक किया और सेंड टू, और यहाँ पे शेयर करते हैं योर स्टोरी में और नीचे डन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टोरी जो है वो लगना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये स्टोरी लगा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पोस्टिंग हो रहा है और ये बहुत टाइम तक ऐसी पोस्टिंग ही लिखा आता है और ये शेयर हो ही नहीं रहा है, जबकि एक फोटो है सिंपल सा, फिर भी यहाँ पे स्टोरी नहीं लग रहा है। अगर आप में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है और स्टोरी नहीं लग पा रहा है तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से पहले हम इसे कट करते हैं, बैक कर लेते हैं। देख सकते हैं स्टोरी बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स करना होगा, कुछ ट्रबल शूट करने पड़ेंगे आपको अपने फ़ोन में, उसके बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ये प्रॉब्लम अक्सर होता है इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ऊपर से स्लाइड करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी अभी पोस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। सबसे पहले एयरप्लेन मोड को एक बार लगाइए और उसे फिर से ऑन कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा यहाँ पे ऑन है हमारा और नेटवर्क भी यहाँ हमारा फुल आ गया है। अब यहाँ पे एक बार ये करने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल डाटा जो दिख रहा है यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। अब जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका सेटिंग खुल जाएगा, या फिर आप सेटिंग से भी जा सकते हैं। अगर आपको सेटिंग से जाना है तो आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको इंटरनेट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो सिम में इंटरनेट आपने रिचार्ज किया हुआ है वही सिम आपका सिलेक्टेड है या नहीं। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट सिम, दो सिम लगा हुआ रहता है तो दूसरा सिम सेलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे हमें देख लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सिम जो है वो सही सेलेक्टेड है। अब यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और अब क्या करना है, आपको जाना है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करना है, तो इस तरह से आपको ऐप इन्फो करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। हमें ऐप इन्फो पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको क्लियर कैच करना है। क्लियर कैच करेंगे, क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्लियर कैच ही करना है आपको। उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो लगभग सॉल्व हो जाना चाहिए। अब आप इंस्टाग्राम में जाके एक बार स्टोरी पोस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं पोस्ट करके। चलिए अब हम इंस्टाग्राम में जाके स्टोरी पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने इंस्टाग्राम ओपन किया और अब यहाँ पे योर स्टोरी पे एक बार क्लिक करते हैं। आप एक बार क्या कर सकते हैं कि एक बार अपने फ़ोन से इंस्टाग्राम को रिसेंट से हटा देंगे और उसके बाद वापस से इसे लॉन्च करेंगे। इसके बाद अब वापस से हम योर स्टोरी पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोरी है वो यहाँ पे मैंने जो पोस्ट किया था वो अपने आप ही यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। देख सकते हैं पोस्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा स्टोरी जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे पोस्ट हो गया है और ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो सक्सेसफुली हमने ठीक कर दिया है।